नमस्कार गाइस, जय श्री राम। तो गाइस, हेलो एवरीवन। तो गाइस, आप गुड आफ्टरनून। आज हम बहुत दिनों बाद ब्लॉग शूट कर रहे हैं। तो अभी आज संडे है, संडे हम जल्दी अपनी शॉप बंद करके हम घूमने जा रहे हैं। तो आपको मिलते हैं थोड़ी देर। आई लव घूमना। ठीक है। सो गाइस, हम ऑन द वे हैं और हम पहुंच चुके हैं 6 नंबर पुलिया। और ये रहे। तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं आगे ऋषिकेश। अभी जाने का प्लान हमने बना रखा है ऋषिकेश। और क्योंकि मैंने बोला, अब जैसे कि आपको पता है कि मुझे जॉली ब्रांड बहुत पसंद है, तो फिर रोज रोज वहाँ जा जाके मेरे हस्बैंड बोर हो गए, मैं तो कभी बोर नहीं होंगी, बट हम ऋषिकेश जाएंगे। तो गाइस, हम आपको मिलते हैं ऋषिकेश पहुँच के, मतलब ऋषिकेश जा रहे हैं, रास्ते में हम आपको मिलेंगे। और गाइस, आपको मिलते हैं रास्ते में। मिलेंगे नहीं, हम मिलते रहेंगे। बाय। तो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं यार, अभी थोड़ी सी है जॉली ग्रांड के आगे। तो अभी हम बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, तो हम कुछ खाएंगे। कोई भूख नहीं लग रही थी, मैं घर से दाल राइस बना के लाई थी, ठूस ठूस के खाया। झूठ है, झूठ झूठ झूठ। भूख लग रही थी यार गाइस, तो अभी भूख लगती है, कुछ खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको। ये दाल देख रहे हो जो इतने बाहर निकले हैं, और ये पेट देख रहे हो जो इतना बाहर निकले। दिखाओ अपना पेट, दिखाओ अपना प्रेग्नेंट लेडी वाला पेट। खाते पीते घर के यार, हर समय दिस मैन माय हस्बैंड, हर समय कभी मूंगफली, कभी नमकीन, कभी चॉकलेट, कभी ड्राई फ्रूट्स, एवरी सिंगल सेकंड ये मूड चलता रहता है, इस पेट में कुछ ना कुछ जाते रहता है। ठीक है गाइस, तो कुछ खाते हैं यहाँ से, फिर आपको मिलते हैं हम इस रोड पर सीधे आगे। बाय गाइस। तो गाइस, हम अभी कुछ खाने के लिए रुके हैं, तो हमने कुछ ऑर्डर, मेरी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर आइसक्रीम। तो मैडम, आइसक्रीम खाएंगे। और हम, मुझे बहुत ठंड लग रही है गाइस, मैं फिर भी आइसक्रीम खा रही हूँ, क्योंकि मेरा मन कर रहा था खाने का। और जो मन करता है वो कर लेना चाहिए। हमने ऑर्डर करा कुछ खाने के लिए, तो जो जो हमने ऑर्डर कर रखा है, जो जो आइटम हमने खाने के ऑर्डर कर रखा है, वो आपको दिखाएंगे और हम खाएंगे। तो गाइस, भैया ने यहाँ पे ना 49 का लिखा हुआ है, 49 का लिखा हुआ है, भैया ने हमसे 50 रुपये लिए, तो हम 1 रुपये वापस लेंगे भैया से। क्यों बेबी, लेंगे 1 रुपये वापस? जाओ ले लो। हैं, अब तो कुछ भी कर सकते हो। नहीं लेना 1 रुपये वापस, प्लीज यार। क्यों भाई, मैं तो लूंगा 1 रुपये भैया से, बोलूंगा भैया 1 रुपये आपने हमारा 1 रुपये मार दिया। चुप रहो, मैं तो नहीं लूंगी, मैं आपको मार दूंगी उससे पहले। माफी मांगो पहले। सॉरी। चलो अब इसे बंद करो, मैं कुछ बताना चाहती हूँ। तो गाइस, ये फ्रेंच फ्राइज खा के दिखाएंगे हम आपको। ये क्या है? चिकन नगर। चिकन नगर, हमारी हमारी दीदी जी हैं, तो हम आपको मिलते हैं खाने के बाद। सो गाइस, फाइनली हमारी एंट्री हो चुकी है ऋषिकेश में। कुछ कहना चाहेंगे आप? तो प्यारे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, हम लोग ऋषिकेश पहुंच चुके हैं। सखी साथियों, 4:45 हो रहा है, और अभी हम, मैं सोच रहा हूं कि अपनी देवी को हम नदी के तट लेके जाएं, वहां पे हम अपना प्यार इजहार कर रहे हैं अपनी देवी पे। और उसके बाद हम देखते हैं, कई बार कोई विचित्र जगह मिलेगी तो हम वहाँ पे आपको दिखाएंगे। और विचित्र नहीं, विशेष विचित्र भी तो आते ही नहीं है आपको। ठीक है गाइस, तो हम फिर आपको दिखाएंगे, फिर मिलते हैं। सो गाइस, एक बार हम पहले भी ऋषिकेश आए थे, और मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी थी जो कि इस महान व्यक्ति ने मुझे कराई थी, बट अब ये व्यक्ति मेरे पति बन चुका है, तो अभी मुझे शॉपिंग नहीं कराना चाहते हैं यार गाइस। कंजूस बन चुका है, एग्जाम पास होने के बाद कौन पढ़ता है यार गाइस, आप समझ जाओ। हाउ मीन, समझने वालों के लिए इशारा बहुत, बच्चों के लिए गुब्बारा बहुत। चुप रहो, शॉपिंग करो, मुझे थोड़ी देर बाद में रहो। ठीक है गाइस, मैं कुछ सोचो हो जाओ, नहीं तो गाइस को पूछा मैंने, मैं गुस्सा हो चुका हूँ, मुझे शॉपिंग नहीं कराओगे? अरे शॉपिंग नहीं कराई है। कब? जब आप बोलो। अभी चलो चलो शॉपिंग करने, कोई तट पे नहीं जाना मुझे शॉपिंग करनी। पहले हम नदी का तट चलेंगे, समुद्र का तट बोलो ना, अभी तक समुद्र बोल रहे थे। समुद्र के तट पर चलेंगे हम, समुद्र के तट पर हम जाएंगे गाइस, फिर हम आपको मिलते हैं
थोड़ी देर बाद आगे क्या दिखाओ मैडम आपके व्यू क्या दिखाएं सड़क सड़क देखिए गाइस देखिए करीब से देखिए ध्यान से देखिए गौर से देखिए इन सड़कों को क्या खास है आखिर इन सड़कों में आखिर इन सड़कों पर ऐसा क्या चल रहा है जो इतनी खास है मैं बताऊं बहुत सारी गाय यहाँ पे बहुत सारी गाय है बहुत सारी बट अभी तो मुझे एक नहीं दिख रही है पता नहीं क्यों बट अभी दिख जाएगी गाइस यहाँ पे पालतू जानवर है जैसा मैंने कहा था एक गाय अभी हमें गाय नंबर टू एक होली सिटी देखिए गाइस ढेर सारी गाय एक घोड़ा भी है कुत्ते ना काटते हैं अब एक मेरे ऑफिस के नीचे रहता है मेरे जैसे अपनी कार वहाँ खड़ी करूँगा तो कार के नीचे रात को सोता है वो तो जैसे मैं जाता हूँ एक बार बहुत पहले आज से 6-7 महीने पहले तो उसने क्या किया कि मैं अपनी कार खड़ी करके स्कूटी लेके जा रहा था तो उसने मेरा पैर पकड़ लिया यार पैर पर दांत मार दिया उसने अच्छा हो कि मैंने शूज़ पहना था अगर मैंने स्लीपर पहना होता तो मेरा उस दिन मतलब फिर मुझे दिक्कत होती वो मेरा पैर काट देता तो तब से मैं हाँ तो तब से मुझे ना बहुत हाँ तब से मुझे ना बहुत दिक्कत है मतलब बहुत प्रॉब्लम है डॉग से बिकॉज डॉग्स ना बाइट कर देते हैं तो आप तो तब से चिढ़ते हो जब से मिले कौन से 6 महीने पहले की बातें कर रहे हो नहीं नहीं पहले से भी चिढ़ता हूँ एक बार बता गाइस क्या हुआ था ये भूल गए एक बार क्या हुआ था ये चल चल के जा रहे थे और इनकी कोई मीटिंग थी और ये बहुत ये इनका अकॉर्डिंग टू हिम ये बहुत ज़्यादा रेडी होके बहुत अच्छे से फॉर्मल कपड़े पहन के जा रहे थे फिर एक कुत्ता इनके पीछे पड़ गया और ये भागे और उसके बाद ये नली में गिर गए और इनकी पैंट फट गई इनकी न्यू पैंट फट गई जो इन्होंने बिल्कुल ब्रांड न्यू खरीदी थी इसलिए इनको कुत्तों से सख्त नफरत है क्या मैं सही बोल रही हूँ देखो मुझे सब याद है एज ए विश आई एम नॉट नो दैट चलो चलो रुको रुको यार गाइस तो हम अभी ऋषिकेश से वापस जा रहे हैं यार यहाँ पर ना बहुत भयंकर जाम है बहुत भयंकर कहीं पर गाड़ी पार्क करने का जिक्र नहीं है बिल्कुल भी फुल है पार्किंग जब बचपन में टीचर्स मेरे कान खींचते थे मुझे बहुत अच्छा लगता था ना मैं भी खींच रहा ठीक है यार तो गाइस बस ये ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं